मैं सारी बातें आपको लिखित में दे चुका था, उन सारी बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जो मुझे कहना था मैं सब कुछ कह चुका था पहले, उन सारी बातों को मैं दोबारा से दोहराना नहीं चाहता हूँ। किसी भविष्य में पार्टी कब तक घोषणा कर देंगे, सस्पेंस कब तक बना रहेगा, है कुछ, कब तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कब तक जो है? मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के 80% जिलों में काम किया है। मैंने बूथ से लेकर के सेक्टर, बूथ पे पदाधिकारी बनाए, सेक्टर पे बनाए, विधानसभा में पदाधिकारी बनाए, जिले पे, मंडल पे, मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग साथी मेरे ऐसे हैं जिनको बड़ा कष्ट हुआ है मेरे पार्टी से निकालने पर। वो लोगों से मैं बात कर लूं, वो लोग तरह तरह की मुझसे बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं सबकी सलाह ले लूं, जो एक सामूहिक निर्णय आएगा मैं उस हिसाब से काम करूंगा। सूत्र बता रहे हैं आपकी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र पांडे से बात चल रही है। अभी मेरी किसी से बात नहीं चल रही है। अभी मैं अपने सूचनताओं के बीच में जा रहा हूं, अपने समर्थकों के बीच में जा रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मैंने 25 साल राजनीति के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 वर्ष मैंने निकाल दिए, और मैं आगे जिस तरीके से मैं अब ज्यादा नहीं है, यानी कि एंड जिस पार्टी में रहूंगा एंड उसी पार्टी में मेरा होगा। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं वफादार हूं, ये अच्छी तरीके से पूरे मेरे लोग जानते हैं, समर्थक जानते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया है तो वफादारी कमाई है। मुकुल उपाध्याय के बारे में कहा जाता है तो मुकुल उपाध्याय जिसके साथ है उसके साथ है। अगर मुझे बहुजन समाज, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया है, अगर मुझे बहुजन समाज पार्टी छोड़नी होती तो मैं बरसों पहले छोड़ चुका होता। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री यानी आपके भाई ने आपके आरोप लगाए हैं, अगर वो गिले सिरके भुलाकर आपको कहेंगे वापस पार्टी में आ जाओ, परिवार में आ जाओ, क्या आप? परंतु मैं आपसे कह चुका हूं मैं बसपा में वो किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। जिस बसपा ने ये नहीं देखा कि मैंने बसपा के लिए क्या नहीं किया, जैसे आपके परिवार ने कह दिया कि आपका बहिष्कार कर दिया गया है, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि आपने परिवार का बहिष्कार कर दिया? परिवार मेरा बहुत बड़ा है, हम 6 भाई हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं है। एक दो भाइयों से कह रहे थे कुछ नहीं, हम 6 भाई हैं, 2 बहनें मेरे, 2 बहन हुई हैं, वो सब मेरे साथ हैं, रिश्तेदार मेरे साथ हैं, उनको पता है मेरे साथ अन्याय हुआ, इसलिए रिश्तेदारों मेरे। बसपा और आपके भाई कह रहे हैं यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय बसपा को और आपके भाई को है यहाँ तक, ना कि आप जो इस तरह आपने बनाया उसकी देन। हम किसी ने क्या बनाया, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मुकुल की क्या भूमिका रही है, किसको बनाने में मुकुल की क्या भूमिका रही है, मुकुल ने किस स्तर पर काम किया है, पार्टी के लिए कितना काम किया है, मंत्री जी के लिए कितना काम किया है, हाथरस की जनता अच्छी तरीके से जानती है। भाई के लिए मैंने क्या नहीं किया, पूरे 25 साल लगाए, जो मेरे जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष है वो पूरा बहुजन समाज पार्टी के लिए मैंने समर्पित कर दिए, अपने भाई श्री रामवीर उपाध्याय जी के लिए समर्पित कर दिए। उनके बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि परिवार का मामला, मैंने उस भाई का बहुत सम्मान किया। आपके साथ ही ऐसा नहीं है, कहने से सब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बड़े ठीक है, उन्होंने जो बोला आ जाएंगे, एक गुरु तो साथ ही रहेगी, आ जाएंगे। हाँ मेरे को समय आने पे मैं सब खुलासा करूँगा। जैसे आगे बैठे बसपा सुप्रीमो को मायावती के खिलाफ तो बहुत सारे सबूत जनता ला चुकी है, बहुजन समाज पार्टी में रहे बहुत कद्दावर नेताओं ने देश की जनता के सामने बहुत सारे सबूत लाए। मैंने अभी इसमें पढ़ के सुनाया आप लोगों को, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने तो रिकॉर्डिंग सुनाई, इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता हूँ। किसने नहीं बोला रुपए के बारे में, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने कहा। और बहुजन समाज पार्टी तो पता ही है, कभी बिहार के चुनाव के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, कभी MP के चुनाव के नाम पर मांगे जाते हैं, कभी जन्मदिन के नाम पर मांगे जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती केवल पैसे उगाने का काम करती है। बसपा अभी जो आपके बीच में मन मुटाव पैंसिल से लेकर लड़ेंगे, मैं BSP में किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। क्या अन्य पार्टी को और साथ देती है आपको कि हम आपको अपनी पार्टी से अलीगढ़ से लड़ाने तैयार हैं, क्या आप उस पार्टी में जाने के लिए तैयार रहेंगे? मैं अपने समर्थकों से बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, जैसे मेरे लोग कहेंगे मैं उस तरीके से आपका आरोप है इसलिए बना रहा कि BSP के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, अपने भाई रामवीर उपाध्याय जी की वजह से मैं बना रहा। मैं नहीं चाहता था मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम आए मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता था,
पर बहुजन समाज पार्टी ने मुझे निकाला है, मुझे उसका चैलेंज स्वीकार है। जैसा आप सोचते हैं क्या वैसा ही आपके कुछ अन्य भाई भी सोचते हैं?